Now we will see the role of informal assessment and evaluation in ECE. Informal assessment and evaluation procedures. We talked about uh, in the last module uh, के जो assessment है अगर हम उसके protocols को पूरा नहीं करते अगर हम उसको ठीक से implement नहीं करते तो हम बेहतर नतज नहीं ले सकते इसका एक हल जो है वो informal assessment है जैसे मैंने आज किया अगर हम बच्चे को कुछ मौका दें उससे बार बार मीट करें और क्लासरूम में या उसको बैठने का मौका दें तो हम उसकी कोई इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं यह अंदाजा हो जाएगा कि वो रेडी है या नहीं है लेकिन जो इनफॉर्मल असेसमेंट है उसको भी हम फायदे और नुकसान दोनों की नज़र से देखेंगे असेसमेंट्स आर डेरा डायरेक्टली फ्रॉम द करिकुलम एंड द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रादर रिलाइंग ऑन अ टेस्ट पब्लिशर बिलीव इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सेस इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग सबसे पहली बात इन फॉर्मल असेसमेंट के फायदे की ये है कि ये डायरेक्टली हमारे करिकुलम में से जनरेट करता है बच्चे जो कुछ क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे जो सीख रहे होंगे जो टीचर ने उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया होगा कि हाँ हमें ये चीज़ें सीखनी है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट में शामिल होंगी बजाय इसके कि कोई पब्लिशर जो आउटसाइडर है और जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहा है या बने बनाए टेस्ट हमने उठाए कि जी नर्सरी के लिए ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी हैं या प्रैप के लिए लाजमी है या छोटी क्लासेस के लिए ये टेस्ट होने चाहिए वो टेस्ट कारगर नहीं हो सकते क्योंकि जैसे हमने अर्ज़ किया था पिछले मॉड्यूल्स में करिकुलम के साथ असेसमेंट का अलाइन होना बड़ा ज़रूरी है अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सीखे हैं वो तो उनसे पूछे नहीं जाएंगे तो हम समझते हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की इनफॉर्मल असेसमेंट है चूंकि वो रोज़ की एक्टिविटीज़ के साथ अलाइन कर रही होगी जो पढ़ा रहे होंगे वही पूछ रहे होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है टीचर्स शुड बी एबल टू चूज़ एंड प्रोसेस स्किल्स एंड नॉलेज दे कंसिडर अप्रोप्रिएट एंड इम्पॉर्टेंट विद इन करिकुलम तो देखिए हमने वो नॉलेज वो स्किल्स देखनी है जो हम रोज़मर्रा के प्रोसेसिस में कर रहे हैं आज टीचर ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कौन सी एक्टिविटी को फोकस किया है बच्चों ने आज कौन से चार लफ्स नए सीखे हैं तो उन्हीं की असेसमेंट भी हो जाएगी पता यह चल जाएगा कि वो रोज के रोज कैसा सीखता है उसके सीखने की रफ्तार क्या है और सीखने का अंदाज क्या है इंटीग्रिटी ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग देखिए अप्रोच जो है वो हमारी इंडिजिनस अप्रोच होती है हमारी पर्सनल अप्रोच होती है जिसका मतलब यह है कि अब मैंने बच्चे को सिखाया कुछ कॉन्सेप्ट मैंने उसको बताए हैं वो अच्छे से सीख रहा है उन कॉन्सेप्ट्स को तो मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ तक पहुँच गया है और बच्चे को पता चला है कि मैंने कितनी चीज़ें सीख ली हैं मैं कहाँ पे आ गया हूँ उसकी भी अपनी कंस्ट्रक्शन है आपकी भी अपनी कंस्ट्रक्शन है तो जो चीज़ें जैसे जैसे हमें पता चलती जाएंगी और वो एविडेंस होगा प्रूफ होगा हमारे पास विजिबल प्रोग्रेस होगी हमारे बच्चे की तो वो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिविज्म है यानी हम खुद अपनी मालूम को जनरेट कर रहे हैं देन आर फॉर असेसिंग द प्रोसेस ऑफ हाउ हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड दे यूज नॉलेज एंड स्किल्स एंड हाउ दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स तो हम यहाँ ये भी देख रहे होंगे जैसे हमने पीछे अर्ज किया था कि मॉड्यूल में कि जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है वो हमें ये नहीं बताती कि बच्चा सीख वो सॉल्व कैसे कर रहा है प्रॉब्लम को और कैसे सीख रहा है यहाँ पे इन फॉर्मल असेसमेंट का जो हमें फायदा है वो ये है कि हम उस प्रोसेस को भी देख रहे हैं हमें पता चल रहा है हमारा बच्चा कैसे सीखता है प्रैक्टिस करके सीख रहा है मेरे बताने से सीखा है मैंने उसको मटेरियल दिया था उसकी मदद से सीखा है नॉलेज उसने गेन कैसे किया है स्किल कैसे आई है उसके हाथ में और ख़ास तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहा है उसकी क्या अप्रोच है मैंटल अप्रोच है या लॉजिकल अप्रोच है या हैंड्स ऑन अप्रोच है ट्रायल एंड एरर अप्रोच है कौन सी अप्रोच है तो इनफॉर्मल असेसमेंट कैन बी को रिलेटेड विथ डायग्नोस्टिक नीड्स अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप असेसमेंट कर रहे होंगे और रोजमर्रा के बेसिस पे कर रहे होंगे तो वो डायग्नोस्टिक भी हो सकती है यानी हम बच्चों को कोई प्रॉब्लम पेश आ गया वो रीडिंग में है राइटिंग में है उनको अपने साथियों पीयर्स के साथ मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है यानी कि डीलिंग में कोई मसला आ रहा है डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ रहा है कहीं भी तो हम उसको आसानी से डायग्नोज कर सकेंगे और वो डायग्नोसिस जो है वो एक्चुअल होगी और होगी यानी उसी सेटअप के अंदर नेचुरली जो हो रहा है उसी को आप असेस करेंगे तो वो एग्जैक्ट होगी देन अ रिफ्लेक्टिबल अप्रोच टू अस दिल्ड्रन फ्लैक्सिबल यह इसलिए है कि आपने जो कुछ बच्चा कर रहा है उसी के मुताबिक क्योंकि आप उसको असेस कर रहे हैं अगली दफा वो कुछ और कर रहा है शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा पिछली दफा उसने अच्छा परफॉर्म किया था तो आपको पता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है अभी अगर वो नहीं कर रहा तो उसकी कोई और वजह हो सकती है और उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ना कि हम एक पुले जजमेंट दे देते हैं कि इसने अब ठीक नहीं किया भाई उसने नहीं ठीक किया लेकिन हमें पता है कि वो पीछे से करता चला आया है उसका डिसिप्लिन अच्छा है उसकी समझ अच्छी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो इसका मतलब यह है कि उसमें सलाहियत है यहाँ पे अगर कोई मसला हुआ है तो वी हैव टू गो टू द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इट देन वी कैन फाइंड अ रेमेडी फॉर दैट। तो हम क्या करते हैं कि इन फॉर्मल असेसमेंट हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का फायदा देती है कि हम बच्चे के करीब जाके उसकी जैन असेसमेंट कर सकते हैं